बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर। बच्चों, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। आप इसे प्रीवियस वीडियो में जाओगे जहाँ पे पार्ट ए है, उसमें हमने कवर किया था वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, हाइट के साथ कितना वेरिएशन आता है जी का। अब हम इसमें कवर करेंगे कि डेप्थ के साथ कितना वेरिएशन आता है जी में। तो उसके कंक्लूजन को अगर हम देखें, हमने कहा था कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं एच हाइट, तो जो हमारा जी है वो डिक्रीज होता है। क्या बोला था हमने, जी कितना आया था हमारा, जी एट एनी हाइट जी 1-2H/R, ये आया था वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हमने बोला था जैसे जितना हम हाइट पर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा जी है वो डिक्रीज करता जाता है, जी विद हाइट डिक्रीज करता है। अगर अब हम बात करें कि हम डी डेप्थ नीचे आ रहे हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर आए, डी डेप्थ नीचे आए, तो जी पर कितना फर्क आएगा, जी पर क्या फर्क होगा, कितना इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें कि जो जी है, जो जनरल जी का फॉर्मूला होता है, दैट इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम डी डेप्थ पर आएंगे ये जो आर है ये डिक्रीज होगा, है ना। ये आर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगी, अगर हम डी डेप्थ नीचे आएंगे तो आर माइनस डी लगाओगे आप, आर ई की जगह आप क्या लिखोगे, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये डिक्रीज करेगा, तो जी आपका इंक्रीज करना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो जी हमारा जैसे जितना हम डेप्थ नीचे आएंगे जी हमारा इंक्रीज करना चाहिए, बट ये डिक्रीज ही करता है। ध्यान रखिएगा, आप अगर हाइट ऊपर भी जाते हो सरफेस से तो भी जी डिक्रीज करता है, और अगर आप डी डेप्थ नीचे आते हो तो भी जी डिक्रीज ही करता है। तो कौन सा फैक्टर है जो इसको बैलेंस आउट करता है कि आर आपका डिक्रीज हो रहा है उसके बाद भी जो हमारा जी है वो भी डिक्रीज हो रहा है, बेटा वो फैक्टर है मास ऑफ अर्थ, वो फैक्टर है आपका मास। क्या लॉजिक है, देखिए, पहले अगर आप एच हाइट पर या फिर उसके सरफेस पर रहते हैं तो जब आप फोर्स निकालते हो, दैट इज जी मास ऑफ अर्थ अप इनटू मास अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कोई भी मास अगर इस हाइट पर है तो इनके इसके बीच में और अर्थ के मास के बीच में इतनी फोर्स लगेगी, राइट। अगर सरफेस पर है तो भी इतनी ही फोर्स लगेगी, यहाँ पे बस कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो मास ऑफ अर्थ है, दोनों का जो आप मास लेते हो वो पूरा मास ऑफ अर्थ लेते हो, है ना, पूरा मास लेते हो। बट अगर आप डी डेप्थ नीचे आ जाओगे और ये मास अब यहां पर रखा है, तो आप जो ये स्फेयर बनाओगे अर्थ का इतना ही मास कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फोर्स में, अर्थ का इतना ही मास कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फोर्स में। हम क्या कहते हैं, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मास है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितनी होती है, जी मास ऑफ वन मास ऑफ टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब ये मास है और तो जो इसका अर्थ का ये ऊपर वाला मास है ये किसी भी काम में यूज नहीं होगा, ये अट्रैक्शन करने में यूज नहीं होगा, तो हम ये वाला मास माइनस करते हैं स्फेयर का, ये बचा हुआ मास जितने डेप्थ पर आए उतने डेप्थ के स्फेयर का मास हम माइनस करते हैं, तो मास भी कम हो जाता है और आर भी कम हो जाता है। तो डोमिनेटिंग होता है मास, तो मास कम हो जाता है, इसलिए वजह से जी आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है जब आप डी डेप्थ नीचे आते हैं। अब चलिए इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, कैसे इसको शो करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जी आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये सरफेस पर, ठीक है, ये अगर हम सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गए, अगर हम सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गए, अब हमारा जो मास है वो यहां पर है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर बेटा हम इसमें, हम मास का रोल है, मास कम या ज्यादा हो रहा है, हमें सिर्फ ये वाला मास चाहिए, इस स्फेयर का मास चाहिए, तो हम डेंसिटी में वर्क करते हैं, किसमें वर्क करते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ में वर्क करते हैं। तो जी जब सरफेस पर था तो कितना होगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट, ये होगा, जब ये सरफेस पर था तो जी इतना होगा। अब मास ऑफ अर्थ को आप डेंसिटी के फॉर्म में लिख लीजिए, मास ऑफ अर्थ को डेंसिटी की फॉर्म में,
तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 4/3 πr³. तो नाउ दिस इज मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास ऑफ अर्थ, टोटल मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब इसको आप यहां पर रख दीजिए तो जी सरफेस पर डेंसिटी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? जी 4/3 πr³ इंटू रो अपॉन आर ई स्क्वायर. सो 4/3 πr³ रो बचेगा हमारे पास जी एट सरफेस. तो जी एट सरफेस कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ रो? 4/3 πr³ इंटू रो. अब हम कह रहे हैं कि अब हम डी, अब आपको इसका यूज करना है, अब आपको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना क्योंकि इसमें पूरा मास ऑफ अर्थ आ रहा है, पूरे स्फेयर का, ठीक है. अब हम बोलेंगे जी डेप्थ कितना हो जाएगा अगर आप डी डेप्थ नीचे आ रहे हैं. तो इसी में हम क्या करेंगे, 4/3 re जो आपके पास है उसे हम, अब आर ई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा. तो आर ई की जगह आपका क्या आ जाएगा, आर ई माइनस डी इंटू रो. अब ये इतने स्फेयर, अब देखो आर ई माइनस डी मतलब ये वाला स्फेयर वाली रेडियस हो गई आपकी. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जितने आपको चाहिए. तो मास कौन सा आ गया आपके पास, सिर्फ ये स्फेयर का मास आ गया, सिर्फ इस स्फेयर का मास अब आपके पास आ गया. जो बाकी का बचा हुआ मास था वो आपने माइनस कर दिया एक तरीके से. आपने पहले जी निकाल लिया सरफेस पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, फिर आपने आर ई माइनस डी कर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. अब इनको कंपेयर करना है तो जी डी बाय जी कर लेते हैं, जी डी बाय जी. तो जी एट डेप्थ कितना आया था, 4/3 πr² इंटू रो अपॉन जी एट सरफेस, 4/3 πr² इंटू रो. तो 4/3 πr² डेंसिटी से डेंसी, और आपके पास जो बचेगा जी डी बाय जी इज इक्वल्स टू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई. तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1-D/RE. सो जी डेप्थ आप देख सकते हो इज इक्वल्स टू जी 1-D/RE. ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है, वन में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, वन में से कुछ माइनस हो रहा है. तो सरफेस पर ज्यादा होगी और आपकी डेप्थ पर कम होगी, सरफेस पर ज्यादा होगी और डेप्थ पर कम होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो फॉर्मूला आप उससे कंपेयर करोगे तो वहां पे -2h था, यहाँ पर -d है, बस ये फर्क है, वहां पे -2h था और यहाँ पर d है. सो दिस इज वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ. थैंक यू सो मच क्लास.